अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप नेशन बिल्डर्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वन कनाल रॉयल क्लासिक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है। 50x90 फीट स्क्वायर की डायमेंशन है। 50 फीट वाइड स्ट्रीट रोड पे ये घर लोकेटेड है। वीडियो में आगे चल के इस घर की लोकेशन डिटेल और इसकी प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है क्लासिक पैटर्न पे। फ्रंट एलिवेशन पे आपको राइट साइड पे बेडरूम मिलता है, लेफ्ट साइड पे स्टेयर और बाथरूम दिया गया है। और मिड में देखें, बहुत खूबसूरत आर्चेज दी गई हैं, मोज़ेक वर्क किया हुआ है। इसके अलावा आर्चेज में पिलर और मोल्डिंग का बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका एक्सटर्नल गार्डन है। अगर किसी को डुप्लेक्स हाउस चाहिए तो इसके साथ वाला घर भी फॉर सेल है। गार्डन में बहुत खूबसूरत प्लांटिंग की गई है, वॉल पे मोल्डिंग मोज़ेक के साथ आर्चे डिज़ाइन की गई है, ग्राफी की गई है, इंपोर्टेड प्लांटर लगाए गए हैं। और इस साइड पे देखें जी, ये सामने आपको कार रैंप और रॉड टायरन का इसका मेन गेट दिया गया है। ये सामने गैराज दिया गया है जिसमें आप चार बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क कर सकते हैं। 5.5 फीट की पैसेजेस वॉल दी गई है, डिसेंट इसमें आपको सीलिंग नज़र आ रही है। सामने आप देखें 3 आर्चेस दी गई हैं जिनमें मोज़ेक वर्क किया हुआ है। और इस साइड पे देखें जी, ये इस घर का इंटरनल गार्डन आपको नज़र आ रहा है जिसमें बहुत खूबसूरत ये ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया गया है। ग्राफी के साथ वॉल में आपको प्लांटिंग नज़र आ रही है। सामने सीटिंग और लैंडस्केपिंग दी गई है। इस साइड पे बड़े खूबसूरत प्लांटर लगाए गए हैं। सामने ये आपको विंडो नज़र आ रही है, ड्राॅइंग रूम में ओपन होती है। और ये इस घर की मेन एंट्रेंस ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। पोडियम आप देख सकते हैं पिलर के साथ, ये पोडियम जिसमें बड़ा खूबसूरत ये शैंडलियर दिया गया है। सॉलिड डैशबोर्ड का मेन डोर दिया गया है। लॉबी में ये आपको मोज़ेक का इनले पैटर्न नज़र आता है। ये इस घर की डबल हाइट लॉबी आप देख सकते हैं। टॉप में बहुत ही प्यारी इसकी सीलिंग डिज़ाइन की गई है। मिड में ये शैंडलियर दिया गया है। सामने आर्चेस दी गई हैं जिनमें ग्लास लगाया गया है। इस साइड पर मोज़ेक वर्क के साथ मोल्डिंग के साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई है। ये आप स्टेयर केस देख सकते हैं। सामने आप देखें मिरर, स्टेयर के नीचे पाउडर रूम दिया गया है। यहाँ मैं आपको लेआउट प्लान बता दूं, ये सामने टीवी लॉन्च के बैक साइड पे दोनों बेडरूम और ऑपोजिट किचन दिया गया है। ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, डोर भी दिया गया है। ये डाइनिंग रूम है, किचन में भी एक्सेस दी गई है। जैसे ही आप घर में इंटर हों, ये घर का मेन डोर और इसके साथ में जी ये आपको ड्राॅइंग रूम नज़र आ रहा है। वुडन फ्लोरिंग की गई है, सामने मोल्डिंग और वॉलपेपर यूज़ किया गया है। ये देखें जी, मार्बल पेंट के साथ ये फायरप्लेस डिज़ाइन की गई है। सामने आपको डबल ग्लेज विंडो नज़र आ रही है। गार्डन का व्यू आप देख सकते हैं। सामने की वॉल में भी वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और मेड में बड़ा खूबसूरत ये शैंडलियर दिया गया है। मेड में पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, माइनर सी पार्टीशन के साथ। ये आगे डाइनिंग रूम, इसमें भी आपको एसी विंडो वॉल पे सेम पैटर्न के साथ इंटीरियर किया गया है। ये आपको एक बहुत बड़ा फ्रेम वुडन के साथ और ग्लास के साथ डिज़ाइन किया हुआ मिलता है। ये डोर दिया गया है। किचन को डाइनिंग रूम से एक्सेस दी गई है, ये आप सामने देख सकते हैं। इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज दिया गया है, इसके साथ में एसेसरीज दी गई हैं। और इसके साथ में जी यहाँ पे आपको ये शेफ़ किचन मिलता है। ग्रेनाइट का टॉप दिया गया है। सिंक के साथ में आपको इस साइड पे विंडो नज़र आ रही है। ये डोर दिया गया है। यहाँ पे बर्नर दिया गया है। बॉटम और टॉप में आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। काफ़ी खुले साइज़ का ये शेफ़ किचन दिया गया है। और ये मेन किचन जिसका कोरियन का टॉप दिया गया है, ब्लाइंडर के साथ विंडो दी गई है। यहाँ पर सिंक दिया गया है। इस साइड पे ये बर्नर दिया गया है। बॉटम और टॉप में आपको बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। मेड में ये आईलैंडर दिया गया है, बड़ा खूबसूरत ये इसमें इंटीरियर किया गया है। सामने ये डोर टीवी लॉन्ज में ओपन होता है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये लॉबी दी गई है। और ये वॉल देखें, बॉटम में मोल्डिंग की गई है। एसी सामने आपको विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पर फायर प्लेस दी गई है। और सामने ये आप मीडिया वॉल देख सकते हैं, वॉलपेपर मोल्डिंग, बॉटम में स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ पे डीवीआर भी रखा गया है। और मेड में देखें जी, बड़ा खूबसूरत ये शैंडलियर दिया गया है। स्पेनिश स्टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने ये डिवाइडर दी गई है जिसमें ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। वॉल में आपको मिरर नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे देखें जी ये स्टोर दिया गया है, और इसके साथ में जी ये सामने आपको बेडरूम नजर आ रहा है, वुडन फ्लोरिंग की गई है, विंडो के साथ वॉल लैंडस्केपिंग नजर आ रही है। सामने आप ये वॉल देख सकते हैं, आपको एसी नजर आ रहा है, और मोल्डिंग के साथ में बड़ी खूबसूरत ये वॉल डिज़ाइन की गई है। इस साइड पे देखें जी ये विंडो दी गई है, सामने इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, और इसके साथ में जी ये इसका अटैच बाथरूम, बहुत ही डिसेंट यूनिक डिज़ाइन की ये वैनिटी डिज़ाइन की गई है। इसके साथ में आप देखें जकूजी इंस्टॉल की गई है, सामने की वॉल में नेश दी गई है, ब्यूटीफुल टाइल यूज़ की गई है, और यहाँ देखें जी ये बड़ा डिसेंट आपको मिरर नज़र आ रहा है, वॉल पे बहुत ही खूबसूरत टाइल यूज़ की गई है, और ये सामने वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। यहाँ देखें मिरर फ्रंट की आपको वार्डरोब नज़र आती है, इस साइड पे भी वार्डरोब दी गई है, सामने विंडो दी गई है, और ये शावर कैबिन शीशे से इसको कवर किया गया है, टॉप में रेन हेड शावर दिया गया है, और ये आपको खूबसूरत एग्जॉस्ट मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे ये मास्टर बेडरूम दिया गया है, और अब मैं आपको इस घर का सेकंड बेडरूम दिखा दूं। 5 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ ये घर है, ये इसका सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने आप देखें ये विंडो दी गई है, वॉल में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है, विंडो के ऊपर आपको एसी मिल जाएगा, यहाँ इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है वॉल पेपर मोल्डिंग के साथ, और सामने की वॉल भी सेम डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे आपको ये वार्डरोब मिल जाती है। और ये देखें जी सामने इसकी वैनिटी दी गई है, आप देख सकते हैं इसके साथ ब्लाइंडर के साथ मिनी विंडोज़ दी गई हैं, आपको मिरर नज़र आ रहा है, बॉटम में इसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, वॉल पे ब्यूटीफुल टाइल यूज़ की गई हैं, ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ दरवाजे के पीछे ये शावर कैबिन, इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये जी सेकंड बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, इसके अलावा टीवी लॉन्च, किचन, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, और जैसे आप घर में इंटर होते हैं तो ये आपको सामने डबल हाइट लॉबी नजर आ रही है। जी तो आप चलते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, ये आप इसकी डबल हाइट लॉबी ऑलरेडी देख चुके हैं, ये स्टेयर केस जिन पे ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं, साथ में रॉट आयरन की रेलिंग दी गई है, ये आप वॉल देख सकते हैं, वॉल पे इटालियन वॉलपेपर यूज किया गया है, ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी। सामने ये देखें जी आपको एक स्पेस नजर आ रही है, ये लॉन्ड्री दी गई है, डबल हाइट लॉबी इसकी आप देखें, सामने की वॉल में मोल्डिंग मोजैक के साथ ये आर्च डिजाइन की गई है, मेड में बड़ा खूबसूरत ये शैंडेलियर दिया गया है, और सामने देखें जी आपको ये विंडो नजर आ रही है, सेंट्रल टेरेस दिया गया है, यहाँ पे आपको ये टीवी लाउंज मिलता है, टीवी लाउंज के साथ किचन और लॉन्ड्री दी गई है, बैक साइड पे 2 बेडरूम दिए गए हैं, और ये सामने सेंट्रल टेरेस दिया गया है, और फ्रंट साइड पे ग्रैंड मास्टर सीट दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम दिए गए हैं। ये आप देखें जी लॉबी में बड़ा खूबसूरत शैंडेलियर दिया गया है, और फ्रंट पे ये मास्टर बेडरूम वुडन फ्लोरिंग की गई है, सामने आपको आर्चेज नज़र आ रही हैं, इसमें आपको वुडन और जॉर्जियन डिज़ाइन की ये विंडो नज़र आ रही है, सामने पिलर्स दिए गए हैं, ये इसकी बेड वॉल डिज़ाइन की गई है जिसमें आपको वुडन और वेलवेट के साथ बहुत खूबसूरत ये वॉल डिज़ाइन मिलती है, टॉप में ये डोम दिया गया है जिसमें वुडन यूज़ की गई है, मिड में ये शैंडेलियर दिया गया है, सेंट्रल टेरेस में ये विंडो ओपन होती है, इसके साथ में एसी दिया गया है, और सामने जी इसका अटैच बाथरूम आप देख सकते हैं, आपको स्टार्ट में दोनों साइड पे वार्डरोब मिल जाती है, और ये देखें जी आपको ये डबल वैनिटी डबल मिरर, और यहाँ देखें जी तो ये आपको वॉल माउंटेड कमोड जकूजी, सामने यहाँ पे विंडो दी गई है, ये इसका शावर कैबिन, यहाँ पे ये डबल मिरर दिए गए हैं, कोरियन के टॉप पे फ्लोटिंग वैनिटी दी गई है, ये इस घर का 3rd बेडरूम। लॉबी में आए तो बिल्कुल सामने आपको सेंट्रल टेरेस विंडो दी गई है, ये आप टेरेस देख सकते हैं, सामने बेडरूम में विंडो दी गई है, इसकी वॉल पे इटालियन मार्बल और फायरप्लेस दी गई है, लोअर पैनल दिए गए हैं, इंपोर्टेड प्लांटर,
सामने सीटिंग और वॉल में खूबसूरत लैंडस्केपिंग की गई है। ये जी टीवी लाउंज आप देख सकते हैं इसकी सामने, ये इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है और मेड में बड़ा खूबसूरत ये शैंडलियर दिया गया है। सामने आपको लॉबी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें जी ये लॉन्ड्री को आप करीब से देख सकते हैं, काफ़ी खुली ये स्पेस है और इसके साथ में जी ये किचन दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर किचन दिया गया है, इस साइड पे आप कुकिंग कर सकते हैं। ये टीवी लॉन्च, सामने सेंट्रल टेरेस। ये इस घर का फोर्थ बेडरूम आप देख सकते हैं, इसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है। सेंट्रल टेरेस में ये विंडो ओपन होती है, सामने इसकी बेड वॉल दी गई है वॉलपेपर मोर और वुडन के साथ, जिनमें आपको मिरर भी नज़र आ रहे हैं। एसी दिया गया है, सामने की वॉल पे मोल्डिंग के साथ वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और अब मैं आपको इसका अटैच बाथरूम दिखा दूँ। इंटर होते ही राइट साइड पर पूरी वॉल में आपको वार्डरोब मिल जाती हैं, सामने ये विंडो दी गई है। बहुत ही डिसेंट आपको वैनिटी मिरर हैंगिंग लाइट के साथ इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है और सामने बड़ा यूनिक पैटर्न पे ये इसका अटैच बाथरूम दिया गया है। ये शावर कैबन और इसके साथ में जी यहाँ पे कमोड दिया गया है। ये जी इस घर का फोर्थ बेडरूम और इस घर का मैं आपको लास्ट बेडरूम दिखा दूँ, जिसे टीवी लाउंज से एक्सेस दी गई है। इसमें देखें जी यहाँ भी आपको एक स्मोकिंग एरिया, यहाँ खड़े हो के आप रेन को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ में लैडर दी गई है, आप छत पे जा सकते हैं यहाँ से। और बहुत बड़े साइज़ का आपको ये बेडरूम मिल जाता है। आप ये इसकी वॉल देखें, मोल्डिंग के साथ वॉलपेपर यूज़ किया गया है। सामने इसकी बेड वॉल दी गई है, जहाँ पर आपको एसी का पॉइंट भी नज़र आ रहा है, एसी दिया गया है। और इसके साथ में जी आपको ये इसका अटैच बाथरूम दिखा दूं। ये सामने विंडो दी गई है, ये वैनिटी और यहाँ देखें जी आपको इस साइड पे वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। वॉल पे इटालियन मार्बल के साथ ये बड़ी खूबसूरत ये निश डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको गोल्डन ब्रास टाइप की टाइल नज़र आ रही है। और ये सामने विंडो दी गई है, यहाँ पर ये शावर कैबिन दिया गया है, ये आपको मिरर नज़र आ रहा है। और इस साइड पे देखें तो पूरी वॉल में आपको वार्डरोब मिल जाती है जी। तो व्यूअर ये वन कनाल रॉयल क्लासिक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है। ये घर फेज 6 DHA लाहौर में लोकेटेड है। ओनली 10 करोड़ 90 लाख इस घर की डिमांड है। 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। इस घर में आपको फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर किचन, लॉन्ड्री, सेंटर टेरेस और 3 बेडरूम मिलते हैं। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको 2 सर्वेंट क्वार्टर बेसमेंट में मिलते हैं। ये घर फेज 6 में प्राइम लोकेशन पर बिल्कुल मेन के करीब लोकेटेड है। बहुत ही सीधी रोड है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।